बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में बजरंग दल व बिहिप के स्वयंसेवियों ने डीसी बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ बलात्कार घटना की कड़े शब्दों में निंदा की। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मांग की कि 10 वर्ष की आयु से कम बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध धारा 376 में संशोधन कर फांसी का प्रावधान किया जाए। बजरंग दल के प्रदेश संयोजक तुषार डोगरा की अध्यक्षता में बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद के स्वयंसेवियों ने डीसी बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में हुई बच्ची ट्विंकल शर्मा के साथ बर्बरतापूर्ण बलात्कार व उसकी अंगों को क्षतिग्रस्त करने की घटना में कड़े शब्दों में निंदा की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से भी मांग की है कि 10 वर्ष की आयु से कम बच्चियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार व बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले अपराधियों के विरुद्ध धारा 376 में संशोधन कर सार्वजनिक स्थान पर फांसी का प्रावधान किया जाए। बजरंग दल के संयोजक तुषार डोगरा ने कहा कि ऐसे विकृत व आपराधिक मानसिकता रखने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा 2.5 वर्ष की बच्ची के साथ बलात्कार व उसके अंगों को काटकर उसे मौत की घाट उतारने का जो कृत्य किया गया है वो जघन्य अपराध है, जिसकी सजा उन्हें सार्वजनिक तौर से चौराहे के ऊपर लटकाकर व उनके अंगों को काटकर फांसी देने का प्रावधान होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में ऐसा कोई भी व्यक्ति ऐसे कुकृत्य करने से पहले सोचे। तुषार डोगरा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश भी ऐसी घटनाओं से अछूता नहीं है, चाहे गुड़िया की घटना हो या फिर हमीरपुर। इस देश के अलग अलग कोनों में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां पर बड़ी उम्र के व्यक्तियों के द्वारा छोटी बच्चियों के साथ ऐसे आपराधिक जघन्य अपराध किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाज के अंदर फैली हुई ऐसी कुरीतियों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने डीसी के माध्यम से ज्ञापन भेजा है। उन्होंने कहा कि इन अपराधियों को इस कृत्य का अधिकतम दंड, जो कि फांसी है, इसके लिए प्रदेश सरकार से मांग की है कि ताकि ऐसे जघन्य व अक्षम्य अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध फांसी की सजा दी जाए। इस नियम को हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पारित कर एक ऐतिहासिक कानून प्रदेश की बच्चियों की सुरक्षा के लिए निर्मित होना चाहिए, ऐसी मांग प्रदेश सरकार से की गई है तथा उन्होंने अपेक्षा की है कि आने वाले विधानसभा सत्र में मंत्रिपरिषद की बैठक में इस कानून को पारित करेंगे व हिमाचल प्रदेश सरकार समाज के प्रति संवेदनशील होने का उदाहरण पेश करेगी। आज बजरंग दल व विश्व हिंदू परिषद बिलासपुर ने डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को एक ज्ञापन प्रेषित किया है, जो इस कारण से प्रेषित किया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर व प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर 10 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ जो एक बलात्कार करके उनके शव को क्षत विक्षत करने की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बात हो, चाहे उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की बात हो, चाहे किसी भी क्षेत्र की बात, मध्य प्रदेश के भोपाल की बात हो, उसके नाते विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने आज बिलासपुर जिला के अंदर हमने एक प्रस्ताव पास करके यहाँ पर डीसी बिलासपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा है और भेजा है। वह कहा गया है कि 10 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों के साथ कोई ऐसा घटनाक्रम करता है, चाहे वो किसी भी जाति धर्म से ताल्लुक रखने वाली हो, उसको फांसी की सजा होनी चाहिए। और हम ये मांग करते हैं कि सार्वजनिक तौर के ऊपर इस प्रकार के व्यक्ति को फांसी दे, ताकि ऐसे आने वाले जो कुकृत्य करने वाले विकृत व घटिया मानसिकता के लोग हैं, उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। ऐसी मांग हमने आज उपायुक्त